फ्रेंड्स स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल रचना ऑनलाइन क्लासेस में। सो फ्रेंड्स आज हम लोग जानेंगे कि एनटीपीसी ने 11,558 पदों पर होगी बहाली। एनटीपीसी के फ्रेंड्स 11,558 पदों पर होगी बहाली। ये बहाली बहुत ही बड़ी है, रेलवे विभाग में इसको लेकर बहुत सारे बच्चे अग्रसर देखने को नज़र आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इसके विषय में। 14 सितंबर से शुरू होगा आवेदन की प्रक्रिया। 14 तारीख से अर्थात आवेदन की प्रक्रिया फ्रेंड शुरू हो चुकी है, और जिसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं अगर आप लोग इच्छुक हैं रेलवे विभाग में नौकरी करने के लिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि 13 अक्टूबर अंतिम तिथि है आवेदन करने की। 13 अक्टूबर अर्थात पूरा एक महीना दिया गया है फ्रेंड्स ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। जो विद्यार्थी इच्छुक हैं वो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है फ्रेंड्स, पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि आरआरबी यहाँ का रेलवे भर्ती बोर्ड पाँच वर्षों के बाद आई इतनी रिक्तियाँ। 5 साल बाद फ्रेंड्स इतना ज़्यादा वैकेंसी आया है रेलवे विभाग में। कहा जा रहा है कि आरआरबी की ओर से वैकेंसी निकाले जाने से अभ्यर्थी में खुशी है। 5 वर्षों के बाद इतनी वैकेंसी आने से प्रतिस्पर्धा काफ़ी कड़ी होगी। रेलवे में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में होती है। इस बार सीटें कम हैं तो आवेदन की संख्या बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। वर्ष 2019 में अंतिम वैकेंसी आई थी। 19 के बाद अभी वैकेंसी आ रहा है फ्रेंड्स रेलवे में। 19 में अंतिम वैकेंसी आई थी। बिहार के से करीब 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में आवेदन करते हैं। रेलवे भर्ती परीक्षा विशेषज्ञ प्लेटफॉर्म के निदेशक नवीन सिंह ने बताया कि पिछली बार से ज़्यादा टफ प्रतियोगिता होगी। पिछली बार 35,000 सीट के लिए 1.25 करोड़ रुपये आवेदन प्राप्त हुए थे। 1.25 करोड़ फ्रेंड्स रेलवे विभाग को पैसा मिल गया था, जो कि वैकेंसी भरे थे बच्चे, जो कि वैकेंसी आई थी 35,000 के लिए, किंतु इस बार 5 साल बाद ही सही, लेकिन 11,000 का वैकेंसी आया। तो इसके लिए भी आवेदन की संख्या कमेगी नहीं, आवेदकों की संख्या बढ़ेगी, उससे भी ज़्यादा बढ़ेगी ऐसा उम्मीद, क्योंकि बिहार बहुत ही बेरोजगार हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें कहा जा रहा है कि इधर हम लोग जानते हैं इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से। तो कहा जा रहा है कि आरआरबी एनसीटीपीसी ने 11,500 पदों के लिए बहाली होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड के स्नातक स्तरीय एनटीपीसी में रिक्तियां के लिए आवेदन 14 सितंबर से शुरू हो गया है फ्रेंड्स। इस बार अंडर ग्रेजुएट पद के तहत कुल 3,445 और ग्रेजुएट के लिए 8,113 पदों है। आरआरबी की वेबसाइट, जो कि ये वेबसाइट है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है। उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। कुछ पदों के लिए ग्रेजुएशन डिग्री के लिए साथ ही कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी हो, टाइपिंग का ज्ञान होना आवश्यक है। स्नातक स्तर के अभ्यर्थी के लिए 5 अलग अलग पदों के लिए आवेदन करना होगा। इसमें एक गुड्स ट्रेन मैनेजर 3,114 पद, मुख्य वाणिज्य सह टिकट पर्यवेक्षक 1,736 पद, यहाँ वरिष्ठ लिपिक सह टाइपिंग 713 पद, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिंग 1,507 पद और स्टेशन मास्टर 994 पदों के लिए परीक्षा होगी। वहीं अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक होगी। जो बच्चे का अभी तक ग्रेजुएट कंप्लीट नहीं हुआ उनका फॉर्म भरने का तिथि शुरुआत होगा आप लोग का 21 तारीख से, और जिनका ग्रेजुएट हो चुका है उनका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, ठीक है। ओके, इसमें जूनियर क्लर्क सह टाइपिंग 990 पद और अकाउंटेंट क्लर्क सह टाइपिंग 361 पद, ट्रेन क्लर्क 72 पद और वाणिज्य सह टिकट क्लर्क 2022 पदों के लिए परीक्षा होगी। दोनों के लिए अलग अलग आवेदन आमंत्रित किया गया है। दोनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन मांगा गया है फ्रेंड्स। तो एक अभ्यर्थी चाहे तो दोनों में अपना आवेदन कर सकता है, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग आवेदन मांगा गया है, ठीक है।
इस तरह से हमने अच्छी तरह से प्रक्रिया को समझ लिया कि कब से किनका जो ग्रेजुएट कर चुके हैं उनका ऑनलाइन 14 तारीख से लेकर 13 अक्टूबर तक होगा, 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक था, जो ग्रेजुएट नहीं किए उनका फॉर्म का ऑनलाइन 21 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस तरह से हमने पूरी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से समझा फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।